हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5.1 पर क्वेश्चन नंबर है 14 का फर्स्ट नंबर देखिए। केसी कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चार पदों का योगफल 20 और उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चार पद की बात आ रही है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना एपी के चार पद क्रमशः क्या लेंगे जी, a-3d, a-d, a+d तथा a+3d है। ये ना मानते हैं जी चार पद की जब बात आती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर के शुरुआत में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से क्या कर रहा है कि इनके चार पदों का योगफल 20 है, यानी कि a माइनस का 3d प्लस में a माइनस का d प्लस में a प्लस का d और प्लस में a प्लस का 3d। तो देखिए, d वाले सारे टर्म कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 4a इक्वल टू में 20 ये जाएगा भाग में, तो a का मान आ जाएगा 5। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर और यहाँ a प्लस 3d का स्क्वायर, वर्गों का योगफल कितना है जी, 120 है। ठीक है, तो हमें वो एपी के पद ज्ञात करने हैं, एपी एपी ज्ञात कर, एपी के जो चार पद है वो चारों पद हमें निकालने हैं। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, a बराबर 5 है ना, तो 5 रख देते हैं, a बराबर 5 रखने पर देखिए क्या होता है, रखते हैं तो 5 माइनस का 3d का स्क्वायर, 5 माइनस d का स्क्वायर, 5 प्लस d का स्क्वायर और यहाँ पे 5 प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 120। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 गुना 5 गुना 3d और प्लस में 3d का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में 5 गुना में d और प्लस में d का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे प्लस एन दिया आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 5 इंटू में d और प्लस में d का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में 5 गुना में 3d और प्लस में 3d का स्क्वायर बराबर में 120। चलिए इसमें जो कटने वाले टर्म है, देखिए माइनस वाला, यहाँ ये प्लस वाला, माइनस प्लस कर जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 25 25 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 9d² प्लस का d² 2d² और फिर यहाँ पे 9d² इक्वल टू में 120। ये जाकर उधर घट जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 20d² इक्वल टू में, जाकर उधर घट जाएगा तो 20, ये d² इक्वल टू में 1 यानी कि d इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 1 यानी कि प्लस माइनस 1 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, केस दो बन जाएंगे, केस पहला जब a का मान है, सॉरी a का मान कितना था 5 और d का मान प्लस का 1 ले लेते हैं, तब तो यहाँ पर प्रथम पद a माइनस का 3d 5 माइनस का 3 इंटू में 1, तो 5 में 3 यह 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पद, दूसरा पद a माइनस का d 5 माइनस का 1 4 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से तीसरा पद, तीसरा पद a प्लस का d यानी कि 5 प्लस का 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए चौथा पद देखते हैं, ठीक है, a प्लस का 3d यानी कि 5 प्लस का 3 इंटू में 1 यानी ये 8 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर केस 2, जब a बराबर में 5 और d बराबर माइनस 1 भी तो है ना, उसको ले लेते हैं, तो प्रथम पद यानी a माइनस का 3d 5 माइनस का 3 गुना माइनस का 1 यानी कि 5 और प्लस का 3 8 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा, a माइनस का d यानी कि 5 माइनस का 3 गुना माइनस 5 3 सॉरी a माइनस का d है ना, 3 कहते हैं इसमें, 5 माइनस माइनस है यानी कि 5 प्लस का 1 6 आ जाएगा। तीसरा पद, तीसरा पद a प्लस का d यानी कि आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 5 माइनस का 4 आ जाएगा। चौथा पद, चौथा पद a प्लस का 3d यानी कि 5 प्लस का 3 गुना में माइनस
पांच में से तीन घटा देंगे, दो आता है, तो ये पद हो सकते हैं या फिर ये ऊपर के पद आए थे, यानी कि आपका दो तरह से आंसर हो सकता है, दो चार छ आठ या आठ छ चार, यही चार हो जाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के चार पदों का योगफल 42 है और प्रथम और चौथे